हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का अपना चैनल इनोवेटिव वर्ल्ड संजीव। मैं हूं आपका दोस्त संजीव। दोस्तों, बहुत दिन हो गया आप लोगों से मिले हुए। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप जो कोई भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज़ इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए मेरे चैनल के हर एक अपडेट के लिए। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों सोचिए, आप सब अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं और आपका कंप्यूटर आपका नाम लेते हैं, तब कितना अच्छा लगता है सुनने में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबको ये बताने के लिए है कि जब आप लोग आपका कंप्यूटर ऑन करेंगे तब कैसे आपका कंप्यूटर आपका नाम बोल देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो का एंड तक। हम लोगों का अपने कंप्यूटर से अपना नाम बुलाने के लिए जो करना पड़ेगा, अब मैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमें नोटपैड ओपन करना है। उसके बाद मैंने जो कमेंट यह टाइप किया हुआ है, ये आप लोगों को टाइप करना है। ये कमेंट है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है डिम, उसके बाद स्पेस स्पीक्स कॉमा स्पीच, उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद फिर से लिखना है स्पीक्स इज इक्वल टू डबल इन्वाइटेड कॉमा। उसके अंदर आप जो भी मैसेज अपने कंप्यूटर से बुलवाना चाहते हैं वो आपको टाइप करना है। जैसे कि मैं इधर लिखा हूँ वेलकम टू माय वर्ल्ड संजीव। तो जैसे ही मैं अपना कंप्यूटर ऑन करूँगा तब मेरा कंप्यूटर बोलने लगेगा वेलकम टू माय वर्ल्ड संजीव। उसके बाद सेट स्पीच इज इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट इन्वाइटेड कॉमा सापी डॉट एस पी वॉइस इन्वाइटेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एंटर करने के बाद विथ स्पीच, उसके बाद एंटर, फिर सेट डॉट वॉइस इज इक्वल टू डॉट गेट वॉइस डॉट आइटम ब्रैकेट ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर, उसके बाद डॉट वॉल्यूम इज इक्वल टू 100, उसके बाद नीचे लाइन में डॉट रेट इज इक्वल टू -2, उसके नीचे लाइन में एंड विथ और आखिर में स्पीच डॉट स्पीक स्पेस स्पीक्स। ये सारे कमांड टाइप करने के बाद सिंपली को हमें सेव करना पड़ेगा। उसके लिए जब आप लोग सेव ऑप्शन पे जाएंगे तो इधर जैसे कोई भी नाम दे दो, ठीक है, जैसे मैंने दिया हुआ है वेलकम, उसके बाद देना है डॉट VBS। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। उसके बाद सेव, मेरा पहले से था इसलिए इधर दिखा रहा है, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। इधर देखिए वेलकम बोल के ऐसा सिंबल आ जाएगा इस फाइल का, ठीक है। इसको मैं अब ओपन करता हूँ। वेलकम टू माय वर्ल्ड, आई होप कि आप सब लोग सुन पाएंगे कैसे मेरा कंप्यूटर मेरा नाम लेके बोल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया कि हम लोगों का एक फाइल तैयार हो गया। ओपन करने के बाद हम लोगों का कंप्यूटर ये बोलता है, लोगों को जो भी SMS देते हैं जो भी मैसेज उधर टाइप करते हैं वो बोल देता है। जैसे कि मैंने दिया हुआ था वेलकम टू माय वर्ल्ड संजीव, तो इसलिए मेरा कंप्यूटर वही बोल रहा है। तो आप क्या करने से जब भी मैं अपना कंप्यूटर ऑन करूँगा तब मेरा कंप्यूटर ये मैसेज बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो फाइल हमने सेव किया इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद
माई कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद सी ड्राइव में जाने होगा। उसके बाद यूजर्स पे, यूजर्स फोल्डर ओपन करने के बाद मैंने जिस नाम से लॉगिन किया हुआ है, आप लोगों का जो भी लॉगिन आईडी है उसमें आप लोगों को ओपन करना होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा इधर है संजीव, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके बाद इधर ऑर्गेनाइज में जाना पड़ेगा। जाने के बाद फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, उसके बाद व्यू, उसके बाद शो हिडन फोल्डर, अप्लाई करने के बाद ओके। ये देखिए दोस्तों, ऐप डेटा बोल के एक फोल्डर आ गया जो कि हाइड रहता है, इसलिए हम लोगों को पहले वो शो करना पड़ेगा। अब ऐप डेटा क्लिक करने के बाद इधर देखिए रोमिंग, रोमिंग के बाद माइक्रोसॉफ्ट बोल के जो फोल्डर है उसको ओपन करना पड़ेगा। उसको ओपन करने के बाद इधर विंडोज़ बोल के एक सबसे नीच से दूसरे नंबर पे है विंडोज़, विंडोज़ ओपन करने के बाद इधर देखिए स्टार्ट मेनू बोल के एक फोल्डर है। स्टार्ट मेनू के बाद प्रोग्राम्स, उसके बाद स्टार्टअप, इधर उस कॉपी किए हुए फाइल को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इधर देखिए पेस्ट हो गया। अब जब मैं ओपन करता हूँ तब मेरा वही मैसेज मेरा कंप्यूटर पढ़ता है, ठीक है। मैं ये सारे लिंक और ये जो नोटपैड में जो कमेंड है जो हम लोगों को टाइप करना है, मैं ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोगों को मदद हो सके, ठीक है। इसके बाद और एक छोटा सा स्टेप है, उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। जाने के बाद व्यू बाय स्मॉल आइकन्स करना होगा। उसके बाद इधर साउंड बोल के जो ऑप्शन है उसमें एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद इधर साउंड बोल के जो टैब है इसमें जाना होगा। इधर देखिए विंडोज़ डिफ़ॉल्ट हुआ है, इसको हमें नो साउंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अप्लाई, उसके बाद ओके। आप दोस्तों हम लोगों का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप हम लोग जब भी अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तब हम लोगों का कंप्यूटर हम लोगों का नाम लेके ओपन होगा, ठीक है। तो आप, मैं अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, रिस्टार्ट हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा। ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद आप लोग देखेंगे वो इंटरेस्टिंग फंडा जिससे मेरा कंप्यूटर मेरा नाम लेके ऑन होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आई होप आप सब लोग सुनी पाए होंगे। तो दोस्तों है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए मेरा अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और दोस्तों अगर ये ट्रिक्स करने के लिए आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।